मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा ली। कमिश्नर साहब, मैं ये सोचा था कि आपकी चाल है, और आप ही सोचते हैं कि मैंने सीएम को मारा है। नहीं, मैंने सीएम को नहीं मारा, मुझे सब कुछ याद आ गया है। झूठ बोलते हो तुम। क्या याद आ गया तुमको? यही ना कि तुमने सीएम को यहां से गोली मारी, उसका भेजा, यहां से बाहर आ गया, ये सब तुमने किया ली? नहीं सर। सर मैं कहां खड़ा था सर? तुम ऊपर खड़े थे। तो सर अगर मैं गोली चला रहा सर, तो ऊपर से आती और यहां से निकलती। गोली यहां से गई है और यहां से निकली है। समय उसे नहीं मारा, उसे इंदर ने मारा है। इंदर ने किया? वो ये सब क्यों करेगा? ये देखिए सर, 5 गोली मारी उसने मुझे। क्यों? क्यों? ठीक है, अगर मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं तो तुम ये सब साबित कैसे करोगे? सर जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई है, सहिंदर और मैंने हर मीटिंग को रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करते थे? जी सर, हमको आप पे भरोसा नहीं था सर। मुझे यकीन है कि इंदर आज भी करता होगा। सर मुझे 2 घंटे दे दीजिए, मैं आपको सारे सबूत ला के दिखा दूंगा। ठीक है अली, मैं तुम्हें अपने भरोसे पर सिर्फ 2 घंटे देता हूं। याद रहे, सिर्फ 2 घंटे। अली, महक, इंदर किधर है? इंदर तो घर पर नहीं है। तुम जानना नहीं चाहोगी कि चीफ मिनिस्टर को किसने मारा, मुन्ना को किसने मारा, मुझे किसने मारने की कोशिश की? मुझसे ज्यादा और कौन जानना चाहेगा अली? तुम उसे जानती हो। कौन? तुम्हारा पति इंदर। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा मैक, मुझे सब कुछ याद आ गया। वो इंदर ही है। मैं कैसे यकीन कर लूं? अभी भी इंदर रिकॉर्ड करता है? हाँ? रिकॉर्ड करता है इंदर? हाँ? चीफ मिनिस्टर के साथ डील करते वक्त 10 लाख रुपए के ऑफर पर तुमने सबसे पहले हाँ कहा था। इसका मतलब है पैसों की ज्यादा जरूरत तुम्हें है, तुम्हारे दोस्त को नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि 50 लाख रुपए के लिए मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी करूंगा, अपने जमीर को बेच दूंगा, चीफ मिनिस्टर को गोली मार दूंगा, तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। हेलो। हेलो महक, क्या कर रही हो? इंदर, कहाँ हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? तुम अली, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत, नफरत करती हूँ। इंदर, तू वहाँ क्या कर रहा है? मुझे सब कुछ याद आ गया है। तूने सीएम का खून किया है, मुझे मारने की कोशिश की, और मुन्ना, तू वहीं रुक, जाना नहीं। हाँ, जाना तो अब तुझे। चल दिया, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। सर, अली मुंबई पहुंच गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और इस समय मोहल्ले में है। तुम लोग किसी काम के आदमी नहीं हो। जानते हो मेरे लिए कितना खतरनाक आदमी है वो? अरे उसे मारने के लिए गांव में मैंने जितने आदमी भेजे थे सबके सबको मार डाला। सर वो वहां बच गया, लेकिन यहां नहीं बच पाएगा। आज कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा।
छुपा है, बाहर निकल। घेर लो सारे को। Oh!
मैं अगर किसी से नफरत करता हूं तो तुझे करता हूं। बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी चाहे वो तुझे मिला है। तू मुझसे हर चीज मांग रहा है। मैं महक को चाहता था, मैं महक को बहुत चाहता था, लेकिन वो तुझे चाहती थी। तुझे तेरी किस्मत अच्छी है कि तू बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। साले, मेरे सामने तुम दोनों गले मिलते थे, तुम मेरे सीने पर सांप लौटते थे। कमीने, मैंने तुझे मारने की कोशिश की, लेकिन तू बच गया। तेरे भाई को यह बात पता चल गई। मस्जिद में मैंने तुम दोनों को मारना चाहा, लेकिन तू बच गया और उसकी मौत हो गई। तुझे लाइफ बचाने के लिए मुझे रहीम चाचा को मरवाना पड़ा। चीफ मिनिस्टर को भी मैंने ही मारा। हाँ, और आज तेरी वजह से महक भी मर गई। मैंने ये सब किया महक के लिए, पैसे के लिए। देख, तेरा गुड लक भी मेरे पास है। आज तुझे कौन बचाएगा? वही जो तुझे मरवाएंगे इंदर। क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि तुझ जैसे कमीने उनकी धरती पर रहे और उनका नाम खराब करे। अगर तूने प्यार के लिए किया होता तो शायद मैं तुझे माफ करती था, लेकिन तूने दौलत के लिए किया है, दौलत के लिए किया है, अपने स्वार्थ के लिए किया है। क्यों? तुझे भाई जैसे पाला और तूने मेरे साथ धोखा किया। मुन्ना, तूने मुन्ना को मार दिया। तूने महक के साथ रेप किया सिर्फ दौलत के लिए। रहीम चाचा को दौलत के लिए लेके जा। दौलत दिखा मुझे, कैसे लेके जाता तू दौलत? ऊपर लेके जा दौलत। क्यों 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 क्यों? Tyson!
सर आप यहाँ क्यों आ गए? दिवंगत सीएम साहब का कातिल यहाँ पे है और तुम पूछ रहे हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? प्लीज सर आप यहाँ से चले जाइए, उसके सर पर खून सवार है, आपकी जान को खतरा है यहाँ पर। देश के सबसे बड़े नेता और मेरे गुरु का कातिल यहाँ पे है, मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहता हूँ। ओके सर प्लीज आप इस तरफ आ जाइए, कमांडर्स आइए सर। कमिंद सावंत मेरी बात ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से, उसे जिंदा पकड़ना है क्योंकि सारे सबूत उसके पास है। चीफ मिनिस्टर साहब के सीने पे गोली मारने के तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे और यही गोली अगर तुम उनके सर पे मारोगे तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। लेकिन ये ऑफर आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप अली को भी तो साथ में बुला। बंद करो ये सब। किस किस का टीवी बंद करवाएंगे आप? ये तो सारे इलाके ने देख लिया होगा। पूरे इलाके को मार डालो, मार डालो सबको, ये मेरा ऑर्डर है। तुमने मुझे मुख्यमंत्री के मुंह पे तमाचा मारा? नहीं, ये जुर्म के मुंह पर कानून का तमाचा था। मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा कमिश्नर। वर्दी? वर्दी तुम जैसे नेताओं की कुर्सी नहीं जो सिर्फ 5 साल के लिए मिलती है। मैं तुम्हें इसकी ताकत दिखाता हूँ। कमांडोज अरेस्ट हिम। कमांडर, कमांडर, माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज? अरे तुम सिखाओगे लैंग्वेज? वीर आ गया है मुस्कान। वीर, बाबूजी, बाबूजी, क्या बात है? देखिए कौन आया है। वीर। ओए पुत्र वीर आ गया। वीर, बेटा, तू आ गया बेटा। ओए वीर आ गया। बेटा, मुझे यकीन था कि तू जरूर घर वापस आएगा। बाबूजी, मेरा नाम अली है, मैं मुसलमान हूं। बाप और बेटे के बीच में तू मजहब को ला रहा है, क्या यही सिखाया मैंने तुझको? नहीं बाबूजी। तू मेरे लिए सिर्फ मेरा बेटा है और कुछ नहीं। जी बाबूजी। अच्छा जी बाबूजी, बाबूजी, जी बाबूजी। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मेरे अतीत में से कोई निकल आए तो? हाँ तो वाकई में कोई है क्या? और उसे भी साथ में लाया हूं। साथ भी लाए हो? हुँ?